नमस्कार सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटोन वेइंग मशीन की 50 kg वेइंग मशीन की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। वो देखिए, इसमें एक बॉक्स, दो बॉक्स होंगे जो आपको रिसीव होंगे। इसमें नंबरिंग की रहेगी, वन नंबर एंड वन नंबर, दोनों वन नंबर्स को आपने इकट्ठे कर लेना और इसको खोलना है। खोलोगे खोलोगे जैसे ही तो स्टेप खोलना है, पैकिंग खोलो और इसके साथ ये देखिए आपको जो मटेरियल रिसीव होगा वो एक ग्रिल, बैक ग्रिल और इसके कुछ पार्ट्स जो इसके साथ रखे हुए। तो आपने बड़े ध्यान से इसको काट के बाहर निकाल लेना। ध्यान रखना है पड़ेगा कि इसका कोई वायर वगैरह ब्रेक ना हो। जैसे ये कनेक्टर दिख रहे हैं आप, इसका ये वायर है, इसको बड़े ध्यान से रख के इसको बाहर निकाल लेना। ये ग्रिल होगी इसकी और ये इसके लेग्स होंगे, चारों नीचे लेवलिंग स्क्रू जो लेवल के लिए यूज़ होते हैं, चार पीस होंगे जी। ये इसके ऊपर आपने इस टाइप से ये इसको लेवल करने के लिए रखें। ये पार्ट बेसिकली इसका ग्राउंड में आएगा, नीचे जाएगा। जब इसको हम लोग यहीं फिट कर दे रहे हैं, फोर व्हील ये इसके हमने इसको टाइट कर दिया और नेक्स्ट जो है इसको बाहर निकालेंगे। अब हटा भी कितना हटा दे, ये हमारा इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर सेव होगा। इसमें एक छोटा व्हील और निकलेगा, इसको हमने इस पोल के नीचे, ये देखिए यहाँ पे वहाँ पे उल्टा देना ताकि ये पीछे लेवल जो ग्राउंड पे जाके टच कर सके। इसका आप खोल के उस लेवल तक इसको टाइट कर सकते हो। अब जो है नेक्स्ट इसके पोल फिट करेंगे, ये जो पोल है इसको फिट करेंगे। इसके साथ दो ऐसे ये नट बोल्ट दिए हैं, उसको खोलेंगे नीचे से नट बोल्ट खोल के। इसका फिट करते हुए ये ध्यान रखना है सर कि ये वायर है इसके अंदर, ये आप वायर देख रहे हो, उठाना छोटा, ये वायर देख रहे हो, इसको मतलब इकट्ठे हो के बीच में दब ना जाए, वो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिंपल आपने वाशर और नट बोल्ट लगा के इसके अंदर इंसर्ट करके इसको नीचे नट टाइट कर। अच्छा एक टाइप कर,
टाइट करने से पहले इसको आप सीधा रखिएगा, सीधा रख के इसको टाइट करना है सिंपल। 10 नंबर चाबी लग रही है ना, 12 नंबर चाबी के साथ इसको टाइट कर, 13 नंबर चाबी के साथ इसको टाइट कर। ये टाइट हो गया फोन बिल्कुल, लैपटॉप ये फालतू वायर जो है आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। और सेकंड इसका ग्रिल फिट करेंगे, इसके ऊपर दो नट दिए गए हैं उसको खोलिए। और आपको ग्रिल के अंदर सीधे इसमें आ जाए और नीचे से टाइट कर दीजिए। कितना नंबर है आपकी? 22 नंबर से अभी फिलहाल इसको टाइट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप दूसरा बॉक्स है उसको खोलोगे, इसमें कि इसका डिस्प्ले, इंडिकेटर डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वो रहेगा। तो जैसे ही खोलोगे आप बाहर निकालोगे इसका, इसके नीचे उल्टा करोगे तो नीचे आपको दो बोर्ड नज़र आएंगे, उनको आपने खोल लेना है दोनों को। और उनको इस पत्ती के ऊपर दोनों होल्स को मैच करके नीचे से नटवर्ड लगा लें, इसको ऐसे पलटी मार ले, पलटी मार मार ले, उस नीचे से लग जाएंगे ना इजीली, दिखेगा फिर कहाँ लगा। देखिए ऐसे ये पत्ती के साथ आप इसमें बोल्ट लगा दें, और इसको भी 13 नंबर चाबी के साथ टाइट कर लीजिए। चाबी के साथ टाइट थोड़ा, बहुत ये आपका डिस्प्ले फिट हो गया। इसमें से आपने एक वायर देखी, कनेक्टर्स निकला हुआ है, इसको आपने बड़े ध्यान से, इसके अंदर ना एक कट का निशान है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें एक कट का निशान है, ये कट का निशान जो है आपको इसमें देखें, ये रहा ये कट का निशान है। इसको आपको इसमें आप अगर होल में देखोगे इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो बड़े ध्यान से इसको कट को उसके साथ मैच करना है, अंदर जो इसके अंदर एक छोटा सा ग्रेव दिए रखा है तो उसके साथ टच करो, बड़े प्यार से ये अंदर इंसर्ट होगा। इसको इंसर्ट करके इसका चूड़ी ऐसे टाइट करना, ये आपका स्केल 50 केजी वेइंग मशीन डिजिटॉन इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड एंड स्केल इज रेडी टू यूज। अब आप इसमें डायरेक्टली वेट कर सकते हो, ठीक है सर। ये आपका इस टाइप से इसका लुक आएगा। ओके थैंक यू सर।